अब क्लीन करके क्या आगे का क्या प्लान है? क्लीन करने के बाद इसको रिपेयरिंग किया जाएगा जी, इसको फिर से रिपेयरिंग किया जाएगा और नमाज यहाँ अदा किया जाएगा। भाई मेरा घर है, यहाँ हमेशा नमाज कायम हो सके। कोई नमाज भी अदा कर सकते हैं अगर वैसा रहा तो, खुदा अगर चाह ले तो इसमें हमेशा नमाज अदा हो सकती है। लगाइए 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 लगाइए। काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सब सवाब आप ही लोग कमा रहे हैं। सवाब तो दूर की बात है, कम से कम जो आ रहा है उसको तो तकलीफ ना हो। हाँ, तो 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 सवाबे हुआ। देखिए उतना उतना कादो था, इतना अगर कर दिए तो कम से कम मेरा पक्का है ना। ये मेन गेट था, यानी ऐसा बना हुआ था। ये मेन गेट था, ये आंगन था। हाँ, आंगन अभी देख सकते हैं, ये जो हम यहाँ चल रहे हैं ये पूरा सीमेंटेड है, ये सीमेंटेड है, इसको अभी साफ किया गया है। नमाजी लोग घर जाते थे अंदर, तो फिर बाहर भी नमाज होते थे। हाँ, सब बाहर भी, जो सब अंदर बाकी सब बाहर होते। मस्जिद का जो पूरा व्यू देख सकते हैं आप, काफी सुहाना है। इसे इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद लोग बता रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ नूरी मस्जिद लिख भी दिया गया। और मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था कि ये मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है, और अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है ये मस्जिद थोड़े बहुत। तो जैसा कि मैंने सोशल मीडिया में, वीडियोस में और आर्टिकल में जो पढ़ा था, वो यहाँ आकर देखने को भी मिला है। क्योंकि ये जो देख सकते हैं बिल्डिंग बना हुआ है, जो ये मीनारे बनी हैं इनकी, और जो ईंटें यूज हुई है काफ़ी पुराना है, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पुराना है। देख सकते हैं इसका जो पेंट होता है वो पोचाड़ा भी हुआ था पहले, अब इतना दिनों से पानी में रहने के कारण वो पूरा उखड़ चुका है, और थोड़ी बहुत दरारें भी आ चुकी है। और जहां मैं खड़ा हूं ये आंगन है, मस्जिद का आंगन है, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये साइड में, ये मेन गेट था मस्जिद का। और यहां पे देख सकते हैं कुछ लोग कहां से, शेरपुर सिरदला से आए हुए हैं, और इन्होंने बताया कि इनके पूर्वज पहले यहीं रहते थे, तो उन्हें देखने को पहले अपने पूर्वजों से सुना था, तो आज वहां आए हुए और मस्जिद की पूरी सफाई कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरा मलबा निकाल चुके हैं अंदर से, और पूरा क्लीन कर रहे हैं। पूरा जितना भी इनके कमेटी के साथी आए हुए हैं, सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने यहां आके एक अच्छा काम किया है कि मस्जिद की साफ सफाई की है। लोग आए तो जियारत करने के लिए, काफी लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी आज थोड़ा मौसम खराब है, जो कि मैं लेट हो गया, मेरे आने से पहले यहाँ काफी लोग यहाँ आए हुए हैं जियारत करने के लिए। यहाँ आके जियारत करके लोग जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। भाई में लग चुके हैं, क्लीन कर रहे हैं। अब क्लीन करके क्या आगे का क्या प्लान है? क्लीन करने के बाद इसको रिपेयरिंग किया जाएगा जी, इसको फिर से रिपेयरिंग किया जाएगा और नमाज यहाँ अदा किया जाएगा, ऐसा सोच है मेरा जी। लेकिन यहाँ के बदले यहाँ तो फिर बारिश में आके फिर यहाँ नमाज पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं, जब खाली होगा उसको नमाज अदा किया जाएगा। तो लोग यहाँ सफाई में, चाह तो यहाँ हमेशा नमाज कायम हो सकती है। जैसे कहने का मतलब है कि ये अल्लाह का घर है, आप देख रहे हैं इसका नाम नूरी मस्जिद है, और इसके बारे में हम लोग कहानियों में सुना करते थे। दादा दादी लोग कहानी में हम लोग सुनाया करते थे कि जो है हरदिया डैम में उसमें मस्जिद डूबा हुआ है, लेकिन हम लोग कभी देखे नहीं थे। तो खुदा का करम से आज हम लोग का वो दिन आया है और हम लोग यहाँ देखने आए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ काफ़ी तादाद में बहुत सारा मलबा है, तो हम लोग इसके लिए साफ सफाई का काम मतलब कर रहे हैं हम लोग, ताकि और भी कोई भाई लोग बहन लोग आए तो उनको परेशानी ना हो, और आराम से कोई नमाज भी अदा कर सकते हैं अगर वैसा रहा तो, खुदा अगर चाह ले तो इसमें हमेशा नमाज अदा हो सकती है।
ठीक है, कहने का यही मतलब है हम लोग से बहुत हम लोग खुशी हुआ था कि जो कहानियों में सुनते अक्सर कहानियों का बात हकीकत होते नहीं देखा है, लेकिन जो आज ये फर्स्ट ऐसा टाइम है जो फर्स्ट टाइम है जो हम लोग कहानी को हकीकत में देख रहे हैं जी। अब खुशी हम लोग का कितना है ये हम लोग को नहीं बता, इसके लिए तो हम लोग पूरा साफ सफाई, यहाँ पे पूरा मलबा रखा हुआ था, अभी पूरा हम लोग ने सब हटा दिया है। हाँ, अंदर अभी और क्लीन करेंगे पानी से, मेन गेट यही था जो गिर गया है।